हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी जिस तरीके से छोड़ा जा रहा है, उसके बाद से दिल्ली में एक बार फिर से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। इस वक्त हम मौजूद है बोट क्लब में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यमुना का जो जल स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ता हुआ इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। दिल्ली में इस वक्त अगर कहा जाए तो यमुना नदी का जो जल स्तर है वो तकरीबन अगर कहा जाए तो 206.32 मीटर पर पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर से भी ज्यादा ऊपर जो है वो इस वक्त यमुना नदी जो है वो बह रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे थे, जो 2 या 3 दिन पहले लगातार वापस अपने निचले इलाकों में पहुंचे थे, वो एक बार फिर से उनको ऊंचे स्थानों पर जाने की हिदायत जो है वो दी जा रही है प्रशासन की तरफ से। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जब बाढ़ का पानी दिल्ली के सड़कों पर पहुंचा था तो बोट क्लब के रास्ते ही अगर कहा जाए तो ये पानी रिंग रोड तक पहुंचा था, और अब देख सकते हैं रिंग रोड पर एक बार फिर से तैयारियां जो है वो बोट क्लब की तरफ से की जा रही है। बड़े बड़े रेत के जो कट्टे हैं वो लगाए गए हैं ताकि अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो रिंग रोड तक पानी जो है वो ना पहुंचे। इसके अलावा आईटीओ के जो कई सारे गेट बंद थे उनको फिलहाल अब खोला गया है ताकि पानी का जो फ्लो है वो तेजी के साथ आईटीओ बैराज से होते हुए कलंदी कुंज नोएडा की तरफ मूव किया जाए, ताकि निचले इलाकों में खास तौर पर पिछले दिनों जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने थे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, उन इलाकों में पानी ना पहुंचे, फिर से उस तरीके की स्थिति जो है वो ना बने। इसको लेकर के प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा मुस्तैद है। इसके अलावा दिल्ली के जो तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनका भी दिल्ली सरकार के मंत्री ने जायजा लिया कि कहीं पानी का अगर लेवल फिर से बढ़ता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद ना करना पड़े, इसकी तैयारी भी जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से फिलहाल की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत पैरा, दिल्ली।